नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभय प्रताप और आप देख रहे हैं एपी ड्राइंग। तो दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप बटरफ्लाई के साथ करने के बाद आपको एक लाइन यहां पर ऐसे ड्रॉ करना होगा, एक लाइन आप इधर भी ऐसे बहुत ही आसानी से ड्रॉ कर दीजिएगा। लाइन ड्रॉ हो जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ से इधर से ऊपर के साइड में मिलाना होगा। मिलाने के बाद जस्ट इधर ही एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन आप इधर ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, बहुत ही आसान होने वाला है। फिर गाइस, आपको इसको डबल करना होगा, बहुत ही सावधानीपूर्वक आप डबल कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक मार्कर पेपर पेंसिल नहीं उठाया है तो जल्दी से उठा लीजिए और हमारे साथ ही बनाना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर ध्यान से देखिएगा, ये वाला सिरा जो हमने यहाँ पे डबल किया है, इधर से हल्का सा बाहर की तरफ करिएगा, बहुत ही हल्का सा बाहर की तरफ करते हुए यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ बढ़ाइएगा। सेम आप इधर भी ऐसे रिपीट करेंगे, हल्का सा बाहर की तरफ करेंगे, फिर अंदर की तरफ करते हुए इसको आप ऐसे बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद आपको इधर से ऐसे मिलाना होगा, यहाँ पर मिलाएंगे। के बाद यहाँ से आपको एक लाइन इधर ऐसे हल्का सा ड्रॉ करना होगा, एक लाइन आप इधर भी ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा। फिर गाइस, बहुत ही सावधानीपूर्वक आप ऐसे नीचे की तरफ मिलाइएगा, यहाँ से भी आप ऐसे नीचे की तरफ आसानी से मिला देंगे, यहाँ तक मिला देंगे। फिर आपको इधर से हल्की सी लाइन यहाँ पर डबल करना होगा, इधर से भी आप ऐसे डबल कर दीजिएगा। अभी हम आपको इस गर्ल को कलर भी करना सिखाएंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखते रहिएगा। यहाँ से जो हमने लाइन ड्रॉ किया था, इधर से हल्का सा अंदर की तरफ करेंगे, ऊपर की तरफ बढ़ाइए। सेम आप इधर भी ऐसे ऊपर की तरफ बढ़ा दीजिएगा। बढ़ाने के बाद आपको दोस्तों एक हाफ सर्किल यहाँ पर बनाना होगा, इधर से बढ़ाएंगे, ऊपर की तरफ बढ़ाइए। फिर गाइस, एक लाइन आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा, हल्का सा नीचे की तरफ करिएगा, इधर से भी आसानी से आप डबल कर देंगे। जब आप डबल कर लेंगे, फिर ऊपर के साइड में आप यहाँ से इधर ऐसे बढ़ाइएगा और आसानी से नीचे की तरफ बढ़ाते हुए यहाँ पर ऐसे आप मिला देंगे। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपको बटरफ्लाई भी बनाना है। इधर आप एक 9 नंबर लिख दीजिए, इधर से अंदर की तरफ करिएगा, यहाँ पर बाहर की तरफ करेंगे, छोटा सा बनाइएगा। इधर एक छोटी छोटी लाइन ड्रॉ करके पॉइंट लगा दीजिएगा, पॉइंट लगाने के बाद आपको इधर से ऐसे बढ़ाना होगा, अंदर की तरफ करना है, यहाँ से बढ़ाइए, आगे की तरफ बढ़ाइए। ये वाला सिरा आपको डबल करना होगा, यहाँ पर डबल कर दीजिएगा, छोटा सा सर्कल इधर बना दीजिए, एक सर्कल बनाना होगा। एक बटरफ्लाई हम यहाँ पर बना देते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा, देखिएगा। इधर से 9 नंबर ये हो जाएगा, यहाँ पर बढ़ाइए, अंदर की तरफ करिएगा, इधर ऐसे कर दीजिए छोटी सी लाइन, यहाँ पर ऐसे बैठा दीजिएगा, छोटा सा सर्कल भी बना देंगे। और दोस्तों, लास्ट में आप इसको डार्क कर दीजिएगा। अभी हम यहाँ पर वाइटनर की हेल्प से छोटे छोटे पॉइंट लगाएंगे और कलर करेंगे, तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। इधर भी आप एक छोटा सा सर्किल बना दीजिएगा। सर्किल बनाने के बाद दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, नीचे वाले सिरे पर आपको करना क्या होगा, यहाँ से आप ऐसे अंदर की तरफ एक एस लेटर लिखेंगे, इधर से एस लेटर लिखिएगा। फिर गाइस, इसको हमें आगे की तरफ यहाँ पर ऐसे बढ़ाना होगा, इधर बढ़ाने के बाद अंदर की तरफ करिएगा, यहाँ से करिए, फिर ऊपर की तरफ बढ़ा दीजिएगा। फिर से आपको यहाँ पर ऐसे नीचे की तरफ करना होगा, फिर आगे की तरफ बढ़ाते हुए इधर ऐसे मिलाइएगा। मिलाने के बाद आपको इधर से हल्का सा अंदर की तरफ करते हुए एक लाइन ड्रॉ करना होगा, इधर से भी सेम प्रोसेस आप रिपीट कर देंगे। फिर गाइस, ये जो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, इधर से एक लाइन आप ऊपर की तरफ बढ़ाइएगा, इस वाले पोर्शन से भी आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब दोस्तों, आपको इधर देखिएगा, छोटा सा सर्किल बनाइएगा, सर्किल नहीं हाफ सर्किल बनाना होगा, फिर यहाँ पे डबल करिए, छोटा सा पॉइंट लगा दीजिएगा, सेम प्रोसेस आप इधर ऐसे रिपीट करते जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसको बना लेते हैं और आसानी से कलर भी करना सीख लेते हैं। तो गाइज, आपने हमसे कई बार पूछा है कि एपी ड्राइंग कौन सा कलर यूज करते हैं। आप यहाँ पे साफ साफ देख सकते हैं दोस्तों, डोम्स ब्रश पेन हम यहाँ पर यूज करते हैं और ये आपको 14 शेड में
उपलब्ध हो जाएगा। और इसके साथ साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर वाटर कलर पेपर भी मिल जाता है। और कभी कभी दोस्तों हम कैमलिन ब्रश पेन भी यूज कर लेते हैं, ये आप देख सकते हैं दोस्तों कैमलिन ब्रश पेन है। और अगर आप इसको बाय भी करना चाहते हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों कलर का लिंक मिल जाएगा।